क्या है तेरा छलावा, कौन किसको छलावा दे रहा है, कुछ बताएंगे आप? तेरा छलावा 5 डिफरेंट स्टोरीज क्राइम थ्रिलर है और हर स्टोरी में एक छलावा है और वो बहुत अलग तरीके का छलावा ऑडियंस को इस बार देखने को मिलेगा। क्या दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट? आपको जानना चाहेंगे क्या है? वेल, मेरी स्टोरी का नाम है गुलाबो एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर कॉल्ड रेहाना एंड इट्स अबाउट हर लव स्टोरी विद अ यंग बॉय हु लव्स हर सो मच सो दैट ही बिकम्स एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव एंड शी बिकम्स सो ब्लाइंड दैट शी कांट इवन सी व्हाट्स कमिंग हर वे। आप अभी कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो रियल लाइफ कैरेक्टर से कितना मेलजोल कर रहे हैं आप लोगों कैरेक्टर्स? रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तो नहीं है बट आई थिंक वन थिंग दैट इनहेरेंटली आई हैव इन मी दैट रेहाना हैज़ इज़ दी नाइविटी आई गेस। जब कोई प्यार करता है तो पूरी तरीके से अपने आप को गिवन करना, अपने आप को एकदम डेडिकेटेडली बिना दिमाग का इस्तेमाल किए उसमें इन्वॉल्व हो जाना इज़ समथिंग दैट आई क्वाइट रिलेट विथ एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेहाना इन दिस सीरीज। या एंड अबाउट माई कैरेक्टर जीनत इज़ द नेम ऑफ माई कैरेक्टर और सिंपल है, सोबर है, स्ट्रॉन्ग है बट उसे ये भी मालूम है कि इमोशनली अगर उसके साथ खेला जाएगा या खिलवाड़ किया जाएगा तो उसको उसका रिएक्शन क्या होगा और वो किस लिमिट तक जा सकती है। बट इन माई एक्चुअल लाइफ आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल सो ऐसा अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है जहाँ तक मुझे जहाँ मेरे को अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी हो। सो स्टिल आई थिंक हैव टाइम और आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा कि मैं लिमिट्स कब क्रॉस करती हूँ इन माई रियल लाइफ। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत डिमांड में है आजकल, लोग जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में, स्टोरी जिस हिसाब से आ रही हैं बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो आपको क्या कहना है कि मतलब लोगों का ये भी कहना है कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि फिल्म अभी इतना अच्छे नहीं कर पा रही है तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में एज एन एक्टर आपका क्या है? आई मीन इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ, यू कैन नॉट से दैट ओटीटी इज़ बेटर एंड फिल्म्स आर नॉट। बड़े पर्दे की बात बड़े पर्दे की ही होती है, उसका चार्म जो है वो कभी भी आप अपने टेलीविजन में उतना नहीं ले पाते हैं, आप अभी भी जाते तो है ही ना थिएटर्स। सो आई थिंक एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन चार्म एंड ब्यूटी। एज फार एज ओटीटी इज़ कंसर्न इट डेफिनेटली हैज़ अ लॉट ऑफ प्लसेज एंड वेरी लेस माइनसेज एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एक्टर्स हु आर कमिंग इन विद देयर टैलेंट्स टू शोकेस, यू नो। बट यस, एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन चार्म। या डेफिनेटली ओटीटी की वजह से ना गुड कॉन्टेंट्स आर कमिंग एंड पीपल आर इट इज़ ऑल रिलेटेबल, आप आराम से घर में बैठकर देख सकते हैं एंड नाउ पीपल हैव बिकम चूजी इफ इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू द थिएटर। सारी फिल्में देखने के लिए आप नहीं जाते हैं बिकॉज लॉकडाउन में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं आपका, यू नो योर द वे यू थिंक, इट्स ऑल चेंज, सिनेमा हैज़ चेंज्ड, सो पीपल लाइक मोर रिलेटेबल सब्जेक्ट, मोर ओरिजिनल। सो आई थिंक ओटीटी में वो मिल जाता है बट डेफिनेटली थिएटर का अपना एक चार्म है और आप फिल्में देखने तो जाते ही हैं। तेरा छलावा का पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सीरियल्स की वाइब आ रही है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, वेल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बट मेरा पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑब्वियसली मुस्लिम है इसलिए शायद आपको मेरे कैरेक्टर मेरे लुक से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी इंडियन शो एट द कोर। हमने इसकी शूटिंग जो है मैक्सिमम भोपाल में की है, MP में की है बिकॉज वहाँ की जो आर्किटेक्चरल ब्यूटी है हमने उसको कवर अप करने की कोशिश की और दर्शाने की कोशिश की कि कैसा हमारा ब्यूटी है हमारे देश में। आई थिंक इट्स प्योरली इंडियन एट इट्स कोर। या डेफिनेटली इट्स इंडियन शो, डेफिनेट मेरा भी कैरेक्टर मुस्लिम है लेकिन उसमें पंडित भी है तो इट इज़ मिक्स ऑफ बोथ। या तो इट इज़ डेफिनेटली इंडियन शो और हमने बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस यूज़ की हैं शूटिंग के समय, भोपाल में पूरी शूटिंग हुई है। सो या इट्स डेफिनेटली इट्स इंडियन लुक। एज अ डायरेक्टर कबीर सदानंद के बारे में क्या कहेंगे आप, कैसे डायरेक्टर हैं वो और कैसे मेरा काम करते हो आप? कबीर सर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर आई हैव एवर वर्कड विथ। He is very sorted. He wants what he wants from the actor. So, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। जैसे कि एक डायरेक्टर को एक अच्छे एक्टर की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म, वैसे ही एक्टर्स को भी ज़रूरत होती है कि एक अच्छा डायरेक्टर के साथ हम काम करें सो दैट हमारी परफॉर्मेंस निकल के आए और हम जो हमने आज तक काम किया शायद हम इस बार कुछ डिफरेंट देखने को मिले। तो आई एम वेरी श्योर कि जीनत का कैरेक्टर जो है और जब लोग मुझे देखेंगे तो डेफिनेटली एक डिफरेंस उनको दिखेगा कि कुछ तो डिफरेंट है मतलब इस कैरेक्टर में। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि मुझे कबीर सर के साथ काम करने का मौका मिला।
आई थिंक द एडवांटेज दैट वी हैड वर्किंग विद कबीर सर इज दैट ही इज़ एन एक्टर फर्स्ट. और जब आप किसी एक्टर के साथ में काम करते हो जो कि डायरेक्शन में जा चुके हैं, तो उनको दोनों साइड की कहानियाँ पता होती हैं. उनको पता होता है कि कई बार डायरेक्टर वॉन्ट्स टू से समथिंग बट बिकॉज ऑफ हिज लैंग्वेज इन द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्टर्स तक वो बात नहीं पहुँच पाती है. एंड ऑल्सो एज एन एक्टर वी कम विद अ लॉट ऑफ बैगेज इन आवर ओन हेड दैट अरे मैं सीन को इस तरह से परफॉर्म करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ ही एक्चुअली मेक अस अनलर्न वॉट वी थॉट वी विल डू एंड देन पुट अस थ्रू द जर्नी ऑफ वॉट ही रियली वॉन्ट. सेकेंड थिंग दैट आई लव अबाउट हिम द मोस्ट इज हिज क्लैरिटी ऑफ थॉट. And the clarity of thought reflects very, very well in his pauses, the way he speaks, and the conviction that he has while he says something to you. Definitely. And that translates into the performance of an actor. And we had the privilege to actually have that in our performances, which you can clearly mark. आपके हिसाब से क्या USP रहेगी लोगों को उसमें देखना चाहिए तेरा चला गया? एक तो अन्वेषी जैन, दूसरा उसकी कहानी. I think all five stories are unique. सब में thriller है. और जो आज तक आप देखते आए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा. हर स्टोरी बहुत अलग है. कुछ अलग मर्डर मिस्ट्री भी है, लव भी है, बिट्रेयल भी है, सब कुछ मिलेगा, बट इट बहुत डिफरेंट अंदाज में. थैंक यू. थैंक यू.